कैसे हैं बता दिए भाई। बाकी सारी भेड़ें जो हैं, भेड़िया भेड़ दोनों हैं, लेकिन उनकी क्या क्वालिटी होती है, सब मूड़ी नीचे करके, मतलब सर अपना नीचे करके जाती हैं। एक केकर घट्टा के नाम से प्रसिद्ध स्थान है और इनके समय जी कहा जाला, दुर्गा जी भी कहा जाला। ये अलग से समय का स्थान है और जो कमरे में है वो दुर्गा जी का स्थान। अच्छा, जो कमरे में है वो दुर्गा जी हैं। हाँ। ये जो बाहर बने हुए हैं आप देख सकते हो, ये जो हाथी काले कलर का तीन चार टू है हाथी बने हुए सीमेंटर, वो जो है यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। आज मैं चलने वाला सोनाता मंदिर पे, बाकी सारी तैयारियाँ कर चुका हूँ, सुबह के मैं नहा चुका हूँ, सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और मम्मी मेरी आप देखो क्या कर रही हैं, मेरी जो है पूजा कर रही हैं, कैसे सर पे जो है कपड़े डाल करके। ये है हमारी ये पूजा वाला जगह है, यहाँ पे अच्छे से हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर गणेश भगवान, लक्ष्मी जी और बाबा जी की ये प्रतिमा, बाबा जी की फोटो रखी हुई है और यहाँ भी है, यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं। और सो अभी क्या है तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो भोजन भी अभी बन रहा है और ये हमारी जूली है, ये हमारी सिस्टर अभी चावल जो है फटक रही हैं। हाँ, तो क्या कर रही हैं भाई आप, क्या कर रही हो? चावल बीन रहे हैं। अच्छा, और ये हमारी जूली है। हेलो जूली, जूली ये देखो जूली जो है सो गई। अभी जो उसको हेलो कोई बोलता है तो नटंकी करती है। हेलो जूली, ए देखो जूली जूली बोल रहा हूँ, देख पोछ हिला रही है। हेलो जूली, ए हेलो जूली, ये देखो चाट रही है। जूली सेकंड करो, सेकंड बिल्कुल सेकंड इसने कर लिया, बहुत अच्छे, इसकी तबीयत नहीं ठीक है जो है, इसमें उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि चाय पानी से भोजन भी नहीं कर रही है और हम लोग जो है उसके लिए दवा भी लाए हैं। तो अभी क्या क्या सीन है, अभी मैं बाहर चलता हूँ। सो अभी बाहर का सीन कुछ ऐसा है, कुछ सीन ऐसा है, अभी सुबह की धूप भी अच्छी निकल गए हैं और अभी से बाइक से हम चलने वाले हैं, चलता हूँ। विकास हमारे एक मित्र हैं, आने वाले हैं, उनकी इंतजारी कर रहे हैं, उन्हीं से बाइक से आज हम चलने वाले हैं। और ये स्वयं माता का मंदिर जो है पास ही में है, लगभग कुछ दूरी पे यहीं पे है और जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव उन लोगों के लिए होने वाली है जो हमारे संत कबीर नगर ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता भी चल जाए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। और जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं अगर हमको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो उनसे काफ़ी मैं सपोर्ट मांगना चाहता हूँ। जो ये समय माता का मंदिर है, ये बताया जाता है कि बहुत ही प्राचीन है मंदिर है। यहाँ पे जितने लोग आते हैं सावन के महीने में यहाँ पे भक्तों का भी तांता लगा रहता है, और नवरात्रि दशहरे के समय में तो और, क्योंकि जो भी यहाँ पे लोग आते हैं और जो भी अपने मन्नतें मांगते हैं वो सारी मन्नतें ये स्वयं माता पूरा करती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आज पे सेट कर दीजिएगा। मैं दुर्गेश सोनी और आप देख रहे हैं चंदन सोनी आर्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं। सीन ये कुछ और है, ये अभी बरसात का मौसम बनने वाला, ये जो है आप सीन देख रहे हो नगर पंचायत हरिपुर का चौराहा है और यहाँ से हम चलेंगे स्वयं माता मंदिर के तरफ। यहाँ से लगभग इसकी दूरी कुल मिलाकर के 2 से 3 किलोमीटर। सो तो विकास जी आ चुके हैं, चलिए हम चलते हैं। काफ़ी अच्छा है और यूँ कह लीजिए बरसात का हम लोग आनंद लेने चल रहे हैं। आप सब देख सकते हो कि हमारे साथ हमारे मित्र भाई हैं। हाँ, कैसे हैं आप बता दिए भाई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनकी शक्ल देख के, वो जो एक गायक है जिनका नाम पवन पवन सिंह है, तो वो मिलता जुलता चेहरा देख लीजिएगा, ये पवन सिंह सेकेंड है। तो चलिए हम चल रहे हैं आज स्वयं माता मंदिर पर और वहाँ का जाएंगे, पहले वहाँ पूजा करेंगे। और स्वयं माता जो है लोगों के दुखों को दूर करती हैं। बहरहाल आप सभी लोगों का अगर कुछ दुख दर्द होगा तो आप भी सभी लोग मनोकामना इस वीडियो के माध्यम से अपनी मांग सकते हैं और वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। दोस्तों अभी आधे रास्ते में हम लोग पहुंचे ही थे, तब बरसात हो गई और यहीं पे पास ही में एक मंदिर है, वहीं पे हम रुक गए। अभी आप देखो यहाँ से ये जो जगह है, जगह का नाम है कष्टहाड़ी नदी। ये कष्टहाड़ी नदी है, यहाँ से काफ़ी लंबी दूरी में है, जो अभी पानी नहीं भरा, बरसात का समय यहाँ पानी नहीं बरसा है। और हमें जहाँ जाना है वो आपको जो दिख रहा है वो ये
ये ईंट भट्टा है, इसी के बगल में समय माता का मंदिर है जिसको जोगा राजा के जगह पे है। और ये जो जगह है ये नगर पंचायत हरिहरपुर का रोड है, जो आप अगर यहाँ पे आते हो तो ये जो है खलीलाबाद से रोड आती है, ये रोड यहाँ तक आएगी और ये महुली तक जाएगी। इसी महुली और खलीलाबाद के दोनों बीच में ये स्वयं माता का मंदिर का जगह है। और इनको देख रहे हैं, बरसात हो चुकी है, आप देख सकते हो बरसात हो चुकी है, अभी हम उस मंदिर पे नहीं जा पाए, अभी फिलहाल इनको देखो। अभी देखो यहाँ पे जो है इतनी सारी भेड़ें जो हैं, भेड़िया भेड़ दोनों हैं, देखो उनकी क्या क्वालिटी होती है, सब मोड़ी नीचे करके, मतलब सर अपना नीचे करके जाती हैं, लेकिन ये एक तरह से फौज जाती है एकदम क्रम कतारबद्ध तरीके से। वाह क्या बात है, अभी आप इनको गरेड़िया कह सकते हो, ये जा रहे हैं लेकर के। अब जो है हम इसी रास्ते से इधर चलेंगे, इस रास्ते, अब भैया जी वहाँ पे खड़े हैं, उस बाइक से हम सवार को चलेंगे। और अभी तो बरसात हो गया है, अब मौसम देखो कितना सुंदर है। दोस्तों यहाँ से वो मंदिर है स्वयं माता मंदिर, अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। और बरसात होने की वजह से थोड़ा सा रास्ते में पानी भर गया है। सो फाइनली गाइज हम स्वयं माता मंदिर के पहुँच गए हैं, और ये पास ही में है ये स्वयं माता मंदिर है। और इधर जो आप देख रहे हो ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे पीपल का वृक्ष है, और यहाँ पे एक आप जो कुटी देख रहे हो ये कुटी है, इस कुटी पे कुचरी के बाबा रहा करते थे, जो आप कुटी देख रहे हो यहाँ पे कुचरी के बाबा रहते थे। काफ़ी लोगों के दुख परेशानियाँ वो यहाँ पे आते हैं, और लोग अपनी परेशानियों को उनसे कहते हैं, वो दूर करते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर में।
दोस्तों देख सकते हो ये समय माता जी की प्रतिमा है जो काफी पुरानी और काफी प्राचीन भी है, जो कि अभी इसके बारे में वीडियो में आपको पता चलेगा। मैं बता दूं, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ पे ये जो चारदीवारी थी ये चारदीवारी नहीं थी, ये कुल इतना ही माता जी की इतनी बड़ी कुल प्रतिमा थी, ये दीवार में नहीं था, ये चारों तरफ यहाँ पे लिंटर था ही नहीं, यहाँ पर लिंटर नहीं था, आप सब देख सकते हो कुछ भी नहीं था इस तरह से जो आज आप देख रहे हो। और बताते चले दोस्तों, यहाँ के भक्तों ने यहाँ पे लिंटर लगवाया और जब से मैं आ रहा हूँ तब से इतना ही था, उसके बाद ये यहाँ सारा निर्माण, क्योंकि भक्तों माता जी इतनी जो है जागृता है, यहाँ पे जो भी मुरादे लोग मांगते हैं वो सारी मुरादे भक्तों की पूरी करते हैं। अगर आप भी आपका भी कोई मुरादे हो, आपकी भी कोई मन्नत हो तो माँ से आप मांग सकते हो और वीडियो के माध्यम से आपकी मन्नतें पूरी होती हैं। अगर आपकी मन्नतें पूरी होती हैं तो आप यहाँ पे आकर सकते हैं, जो भी माता का चढ़ावा है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ चढ़ावा के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जो भी आपकी इच्छा हो सब वो माँ को स्वीकार है। तो अभी आप देख सकते हो अभी घड़ी की जो है 10:13 हुए, 10:15 हुए हैं और यहाँ पर एक आरती भी लिखी हुई है, काफ़ी जो है गंदा भी हो गया है, ये संगमरमर के पत्थर पर लिखा गया है। माता जी यहाँ पे एक हैं, वो भी पूजा कर रही हैं। यहाँ पे ये दान पेटिका है, ये दान पेटिका आप दान भी कर सकते हो। और ये बाहर से देखो कितना रमणीक स्थल है, काफ़ी आकर्षित करने वाली ये जगह है। मंदिर में हम स्वयं माता का दर्शन कराए हैं और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन इतना विशाल पीपल का पेड़ है। आप ये जो मंदिर है ये जोगा राजा के क्षेत्र में आता है और यहाँ पे आने के लिए आपको हरिपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप जिले से आना चाहते हो तो खलीलाबाद संत कबीर नगर जिले से लगभग ये 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बस्ती से आना चाहते हैं तो बस्ती से आप मौली आइए और मौली से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर माता स्वयं माता के ये मंदिर है। इनकी महिमा इतनी अपार है कि मन वांछित फल आपको मिलता है। आप देखो एक जो ये पीपल का पेड़ है और एक जो नीम का पेड़ है, आप देख रहे हो कि दोनों पेड़ के पत्ते जो है एकदम साथ में हैं। लेकिन आइए आपको हम जड़ दिखाते कि क्या दोनों के जड़ साथ ही में है। तो कितना सुंदर लग रहा है, यह क्या नजारा है यहाँ का, क्योंकि कहते हैं धार्मिक स्थल जो भी होता है बहुत ही प्यारा होता है। तो आप ये देख सकते हो स्वयं माता मंदिर का ये चबूतरा बना हुआ है, ये चबूतरा है और जो मैंने आपको पेड़ दिखाया ये आपका नीम का पेड़ है, काफ़ी विशाल काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। आप देख सकते हो इसकी जो टहनियाँ हैं काफ़ी क्षेत्र में फैली हुई हैं। और ये जो देख रहे हो आप भट्टा, जो मैं पहले बताया था, ऐसा मत आप समझना कि जो मैं भट्टा वहाँ दिखाया हूँ वही भट्टा, ये यहाँ का पुराना भट्टा है। और यहीं के पास में ही एक आप देख सकते हो यह सौदागृह है, अभी जल्दी ही नवनिर्मित हो रहा है, यहाँ के प्रधान के द्वारा ये बनाया गया है। अभी बरसात हो गया है और बरसात होने के बाद यहाँ का कुछ इस तरह से सीन दिख रहा है, देख सकते हो कि पास से कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर एक और भी मंदिर है छोटा सा, चलिए तो ये दिखा रहे हैं आपको, इसमें माया है। यहाँ पे आप जो मंदिर देख रहे हो इसके बारे में यहाँ के जो रहने वाले बाबा हैं उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर में है क्या, इनका नाम क्या है। आज यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर 2-3 लड़के और भी हैं, तो आप देख सकते हो कि बाबा जी यहाँ पर हैं। सबसे पहले हम बाबा जी से मिलना चाहेंगे। तो बाबा जी ये बताएं ये स्थान किसका है? ये एक केकर घट्टा के नाम से प्रसिद्ध स्थान है और इनके समय जी कहा जाला, दुर्गा जी भी कहा जाला, ये अलग से समय का स्थान है और जो कमरे में है वो दुर्गा जी का स्थान। अच्छा, जो कमरे में है वो दुर्गा जी हैं। हाँ। ये जो बाहर बने हुए हैं आप देख सकते हो, ये जो हाथी काले कलर का 3-4 ठू है हाथी बने हुए सीमेंटेड, वो जो है स्वयं माता का स्थान है। और इनकी कुछ महिमा बताएंगे, क्या महिमा है, किस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं, क्या चाहते हैं लोग, क्या महिमा? तो भैया बहुत भारी है, बहुत दूर दूर से मनैया वाले हैं। पुराना ये थारू लोग का जगह, थारू लोग का। हाँ, थारू मतलब थारू जैसे, हाँ जैसे जिमदार लोग पहले हो, वो सब रात रात थारू लोग, वो सब अपन बलिदान दे के जौन है अपन पुत्र कौन हो तो उनके समा के बैठाते थे वो सब अपने। अच्छा, वो लोग मानते थे कि जो है इनका जो है बलिदान दे दिया जाए और बलिदान देने के बाद जो है माता जी प्रसन्न होगी, ऐसा मानना। हाँ हाँ पर हाँ, तो बहुत धन इनके अंदर था, काहे कि आप जैसे वहाँ अर्पण कर दिए कि हमारे इतना धन है तो हमें लड़का को चढ़ा देंगे, तो इसी नाम से जौन है इनका बहुत जागता स्थान है। और उसमें जो है पहले के समय में ऐसे
सामाजिक लोग जाते थे, बस मनावता नहीं मनाए और अंतिम पर जाके बीच धारा में पूरा नावल भूल गए। जानकारी दी और जानकारी लेने के साथ चलिए वहाँ पे हम दर्शन करवाते हैं स्वर्ण माता के मंदिर। ये दुर्गा जी की प्रतिमा है, ये डिहार बाबा है, पर कुछ लोगों का कहना है घर बाबा हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बाबा होते हैं, जो देवता होते हैं, ग्राम देवता जिसको कहा जा सकता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ भी ये पूरी अभी जल्द ही इसका लिंटर यहाँ पे हुआ है, पहले तो यही केवल जितना ये दिख रहा है गुलाबी कलर का इतना ही था, बाद में अभी ये सब सारा हुआ है। दोस्तों मंदिर की हमने आरती कर ली, मंदिर की बहुत बड़ी पूजा भी कर ली और यहाँ से साधु जी से जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे भी मुलाकात कर ली। मंदिर में बहुत सारा मैंने घूमा और काफ़ी समय बिताया, बरसात भी हो गई। आप देख सकते हो मौसम भी यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ। और अभी यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर वहाँ पे है, ये तो आपको मैंने जो दिखाया ये स्वर्ण माता का मंदिर है और ये जो है हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ भी चलिए चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ का भी सीन आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो बरसात हुआ है और यहाँ की मिट्टी भी थोड़ी गीली हो गई है। ये वो कुटी है जो मैं कुटी के बारे में आपसे बात कर रहा था, यहाँ पर आज के लगभग 30 साल पहले एक बाबा रहते थे जिनको जिनका नाम है कोचरी बाबा के नाम से जाना जाता था, लोगों के कष्ट वो दूर करते थे। तो सभी हम चलने वाले हैं उस मंदिर पे। आप देख सकते हो कि उस मंदिर पे समीप हम आ गए हैं और यहाँ के और भी जानकारी अगर चाहते हैं और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर लगभग आज के 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें भंडारा हुआ था, तो वो उस मंदिर से आकर के यहाँ पे वीडियो बनाए थे। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आपको ये जो दिख रहा है ये आई बटन में आपको यहाँ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के चेकआउट कर लीजिए। ये आप जो देख रहे हैं ये फोटो जो है, ये जो प्रतिमा बनी हुई है ये बाबा लोह लंगड़ी दास की बनी है, ये काले संगमरमर पे लिखा हुआ काला हो गया है, आप देखो ये। और पास ही में एक कुआं है यहाँ पे, जो अंदर देखते हैं पानी है या नहीं है, इसमें सूख गया है, इसमें पानी नहीं है, बहुत काफ़ी गहरा भी है। और पहले के समय में यहीं से लोग जल निकाल करके यहाँ पर निवास करते थे और काफ़ी ये रमणीय का स्थल आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। जो भी ये देव स्थान होता है, देवालय जो होता है, वो मन को सुकून और शांति देने वाला होता है। ये है हनुमान जी की मंदिर और यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ प्रतिमा देख सकते हो कि नीचे जो है तो ये हुए हैं शंकर भगवान और माता काली जी आ रही हैं, उनकी एक प्रतिमा है। अब जो है मंदिर पे पूरा मैंने भ्रमण कर लिया और स्थानीय लोगों से बात करने के बाद पता चला यहाँ पे लोग क्या करने आते हैं, यहाँ पर लोग अपने बच्चे का मुंडन संस्कार भी करते हैं और यहाँ पे शादी विवाह का, लोगों का शादी विवाह भी तय होता है और इसी प्रांगण में आप देख सकते हो इसी प्रांगण में लोग अपने बच्चे का शादी विवाह, अपने लड़कियों की शादी करते हैं और लड़के लोग अपने लड़की की शादी करते हैं। काफ़ी रमणीय स्थान है और सावन के महीने में यहाँ पे सुबह शाम भक्तों का जो है जमोड़ा लगा रहता है सावन के समय में। और जब भी नव दुर्गा यानी कि जब भी नवरात्रि आती है, नवरात्रि के समय में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। सो दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। चलिए मिलते हैं एक से भी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।